उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में इंस्पेक्टर की हत्या पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने इस पूरे मामले में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कांग्रेस ने तो इस मामले पर योगी की निंदा करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदार तक करार दिया। श्री आदित्यनाथ जी ने अपनी जिम्मेवारी को शर्मसार किया है। वो चुनावी भ्रमण के अंदर व्यस्त हैं और उत्तर प्रदेश को अराजकता और भीड़ तंत्र को उन्होंने सौंप दिया। वहीं बीएसपी ने कांग्रेस से एक कदम और आगे बढ़कर योगी सरकार पर राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में और जनरली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये धार्मिक आधार पर उन्माद पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से जंगल राज और गुंडा राज कायम है। विपक्ष ने राज्य में आम जनता की सुरक्षा को भी खतरे में बताया। इतना ही नहीं, कई पार्टियों ने तो इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दिया। लेफ्ट ने बीजेपी पर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया और योगी सरकार के साथ आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। वो सिर्फ सेना ही नहीं, अब सशस्त्र बलों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी उसका भी सांप्रदायिकरण करने की तैयारी में आरएसएस बीजेपी के लोग जुटे। मैं बहुत गंभीर वक्तव्य दे रहा हूँ। तो वहीं आरजेडी ने इस घटना के बहाने योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की मांग कर डाली। आप तो बिल्डिंग के रंग बदलने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके हाथों में, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री से कि सर मिस्टर आदित्यनाथ को मठ में भेजिए। ये उत्तर प्रदेश को मठ समझ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश मठ नहीं है। बुलंदशहर की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सबके निशाने पर हैं। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रत्यूष मणि त्रिपाठी का खून से लथपथ शव बरामद होने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दावा किया जा रहा है कि बदमाश हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दौरान नेता की हत्या की खबर मिलते ही भारी संख्या में उनके समर्थक भी अस्पताल के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए नेता ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मारे गए नेता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के भरोसे के बाद हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। सारी टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार के लिए भी समुचित आर्थिक सहायता करा के उनकी देखरेख की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रत्यूष मणि त्रिपाठी की पत्नी ने भी चार लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई।